नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके UPSC CDS 02/2022 वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आपकी वैकेंसी आ चुकी है। हम इसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, साथ ही आपको एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपका एग्जाम सेंटर की डिटेल्स क्या होनी चाहिए, सारा कुछ मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें जिससे कि मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों देख सकते हैं जिसका एग्जाम जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है। बात करता हूँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो ऑलरेडी आज से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज है कितना, 18 मई, आज से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। बात करता हूँ इसकी लास्ट डेट के बारे में, तो देखिए इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो आपकी 7 जून रहेगी। कितना, 7 जून 2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2nd 2022, ठीक है। बात करूंगा देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक बार कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और बात करते हैं इसकी वैकेंसी को लेकर, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वैकेंसी की बात करूँ, देखिए 339 वैकेंसी रखी गई है इसमें। कितनी, 339 वैकेंसी रहेंगी ऑल ओवर इंडिया के लिए। बात करता हूँ देखिए इसमें अलग अलग सिस्टम है। देखिए आप लोग एकेडमी वाइज सिस्टम है, ठीक है। एकेडमी वाइज सिस्टम की बात करें तो देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि जिसको हम IMA बोलते हैं जो कि देहरादून में है, उसकी आपकी वैकेंसी कितनी, 100 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें से आपके 13 वैकेंसी जाएंगी वो आपकी रिजर्व रहेंगी। अगर आपने NCC से आर्मी विंग में NCC सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है तो उनके लिए 13 वैकेंसी रिजर्व यहाँ पर रखी गई हैं। सेम बात करता हूँ नवल अकेडमी के लिए, देखिए जो कि अजीमल्ला में है आपकी। बात करता हूँ इसके यानी कि कोर्स आपको बता चुका हूँ मैं आपका, 0 जुलाई 2023 रहेगा। बात करता हूँ वैकेंसी को लेकर, 22 वैकेंसी रहेंगी जिसमें कि NCC अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है इन नवल यानी कि नेवी में जिसको NCC सी सर्टिफिकेट होता है उनके लिए यहाँ पे देखिएगा आपकी वैकेंसी रिजर्व रहती है, 1-2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं देखिए एयरफोर्स अकेडमी यानी कि हैदराबाद के बारे में बात करें तो देखिए आपका फ्लाइंग के लिए और आपका नॉन टेक्निकल के लिए सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहती है। इसमें 32 वैकेंसी रहेंगी जिसमें कि मैं आपको बात करना चाहूंगा आगे NCC सर्टिफिकेट के लिए 3 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है एयरफोर्स विंग वालों कैंडिडेट के लिए, ठीक है। सेम बात करते हैं देखिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करूँ तो देखिए आपकी चेन्नई में है जो कि आपका मद्रास है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन के लिए बात करता हूँ। देखिए आपकी यानी कि 159 वैकेंसी है, कितनी, 169 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सेम बात करता हूँ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जो कि मद्रास में ही है वो आपके केवल वुमेन कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। सेम इसमें कितनी वैकेंसी है, 16 वैकेंसी टोटल मिला के कितनी वैकेंसी होंगी, 339 वैकेंसी आप सभी की रहने वाली है, ठीक है भाई। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स की बात करें तो देखिए नजदीक में आपके सारे सेंटर आपके दे रखे हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा। एग्जाम सेंटर आपको जो डालेंगे वही मिलता है, एक ही एग्जाम सेंटर यहाँ पे फिल किया जाता है, ठीक है। बात करता हूँ देखिए अगरतला, अजमेर और आगरा हो गया, हैदराबाद हो गया, सॉरी अहमदाबाद हो गया, आपका आइजोल हो गया, अलीगढ़ हो गया, अमरोहा हो गया, ऐसे गाजियाबाद, गोरखपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, जो भी आपके पास में होगा सारे सेंटर्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं देखिए कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखिए इंडिया नेपाली कोई भी कैंडिडेट है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम बात करते हैं देखिए एज लिमिट को लेके, देखिए मेरे इसमें देखिए आगे बात करते हैं देखिए एज लिमिट के बारे में। अनमेरिड अगर आप IMA के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अनमेरिड मेल कैंडिडेट के लिए बात करूंगा मैं सबसे पहले, उसकी जो DOB वो होनी चाहिए वो 2nd जुलाई यानी कि 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच उसकी DOB होनी चाहिए। सेम बात करते हैं नवल अकेडमी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए मेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो देखिए 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में आपकी DOB होनी चाहिए। सेम बात करते हैं एयरफोर्स अकेडमी के लिए बात करें, अगर हम एयरफोर्स अकेडमी के लिए 20 से 24 साल तक का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है जिसमें कि 1 जुलाई 2023 को उनका वो यानी कि एज काउंट की जाएगी। सेम बात करें 2 जुलाई 1999 से लेके और आपकी DOB जो होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2003 के बीच में आपकी DOB होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। सेम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी आपके बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल कैंडिडेट के लिए, अनमेरिड मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी जिसमें कि 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2004 तक के लिए आवेदन कर पाएंगे। सेम बात करते हैं फीमेल के लिए भी, फीमेल के लिए बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल के लिए तो उनकी जो यानी कि एज लिमिट होनी चाहिए वो 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में आपकी DOB होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आपकी अगर इन दोनों डेट्स के बीच में आपकी DOB आती है तो आवेदन कर सकते हैं,
ठीक है ना भाई। और हम आगे बात कर लेते हैं क्या क्या जरूरी होगा आप सभी के लिए। फीस के बारे में आपको बता देता हूँ, जनरल और ओबीसी की जो फीस रहेगी वो ड्रॉप की 200 रुपीज़ रहेगी, यानी कि 200 रुपये पेमेंट रहेगा आपका। अगर हम आप एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, 0 रुपीज़ आपका पेमेंट रहेगा, ठीक है भाई। सेम आगे बात करते हैं, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसके एग्जाम की डिटेल के बारे में। तो एग्जाम आपका देखिए पेन पेपर पर आपका एग्जाम होता है, ऑफलाइन आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है भाई। किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, मैं आपको ये भी अब आपको बताऊंगा। देखिए नोटिफिकेशन मैं आप सभी के सामने रीड कर रहा हूँ, यानी कि बहुत लॉन्गेस्ट आपको नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, इसमें 3 पेपर होते हैं, ठीक है। आपका मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आप इन तीनों अकेडमी के लिए आवेदन करोगे तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, जैसे कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। इन तीनों के लिए अगर आप आवेदन करते हो या तीनों में से किसी एक के लिए करते हो तो उसमें आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। जैसा पहला पेपर होगा, तीनों पेपर आपके एक ही टाइम पे होते हैं जिसमें एक एक घंटे का गैप रहता है, ठीक है। पहला पेपर हो सकता है 10 बजे से 12 बजे तक हो, दूसरा पेपर 2 बजे से हो, इस टाइप से आपका गैप मिलेगा आपको, ठीक है। आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। बात करता हूँ देखिए इंग्लिश के पेपर की, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। सेम बात करते हैं देखिए आपके जनरल नॉलेज के बारे में, तो देखिए आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। सेम बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें कि आपके 2 घंटे का टाइमिंग रहने वाला है, ठीक है। सेम बात करते हैं अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी केवल और OTA के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपको 2 ही पेपर देने पड़ते हैं, पहला GK का पेपर, दूसरा इंग्लिश का पेपर, दूसरा GK का पेपर, ठीक है। जिसमें आपका 2-2 घंटे की टाइमिंग रहती है, 200 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। 100-100 के 2 पेपर होते हैं, तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं देखिए आपके स्कीम के बारे में, आपका एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए स्कीम आपके इंग्लिश में आपका जो भी कुछ होता है सारा कुछ पूछा जाता है, वोकैबुलरी को लेकर चाहे सिनोनिम एंटोनिम डिटरमिनर्स एडजेक्टिव सारा कुछ यहाँ पे पूछा जाता है, जितनी भी चीज़ें हैं इंग्लिश से सारा वहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। अगर आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी को बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। सेम बात करते हैं जनरल नॉलेज से लेके, तो जनरल नॉलेज से आपके देखिए सभी क्वेश्चन आते हैं, GK के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो करंट अवेंट्स में जो भी होते हैं, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कमेंट, सब कुछ आता है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, करंट अफेयर भी आता है। साथ में हम बात करें आपके देखिएगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, आप बात करते हैं देखिए अर्थमेटिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एलजेब्रा से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम बात करता हूँ ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन से और स्टैटिक्स से, ठीक है। और आगे बात करते हैं देखिए आपका पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होता है, उसके बाद बात करते हैं देखिए आप अगर यानी कि टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हो तब आपका होता है क्या SSB इंटरव्यू, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका यानी कि इंटरव्यू लेता है, जिसमें आपका 5 डेज का प्रोसीजर रहता है, उसके बाद आपका सारा कुछ प्रोसीजर वहीं पर लिया जाता है। एग्जाम के बारे में बताया गया कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, और कोई डिटेल आपके लिए मेन नहीं है, मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। बाकी अगर आप इस नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे तब भी आपको ये मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो आप सभी के सामने नोटिफिकेशन ओपन होकर आ जाएगा, खुद भी रीड करना चाहें खुद भी रीड कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है, आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर हो चुके होंगे, कवर हो चुके हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपसे कहना चाहूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, कमेंट करके जो था आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।